गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना वीकेंड स्किन केयर रूटीन जो मैं वीकेंड में करती हूं, क्योंकि वीकेंड में हम लोगों को बाहर कहीं ना कहीं जाना होता है, बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। सो मैं आप लोगों को दिखा रही हूं मैं कैसे करती हूं अपनी स्किन केयर। पहले मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब मैं स्क्रबर यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे मिनीशो का स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ, ये कॉफ़ी फ्लेवर है और एकदम से लगता है कॉफ़ी अप्लाई कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है। मैंने दो बार ही जस्ट यूज़ किया है क्योंकि मैं होम मेड रेसिपी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो जब वीकेंड का टाइम आता है तो मैं ये सारी चीज़ जल्दी जल्दी यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देता है। सो यस गाइस, अच्छे से मसाज करना है, पर मसाज एकदम घस घस के नहीं, एकदम हल्का हाथ से जैसे मैंने किया है। हल्के हाथ से मसाज करने के बाद आप फेस को वॉश कर लेते हैं पानी से, और आप लोग देखो कितना फेस थोड़ा फ्रेश लग रहा है। वैसे भी थोड़ा सा अच्छे से एक्सफोलिएट जब हो जाता है ना स्किन, तो थोड़ा फ्रेश और क्लीन भी दिखता है। उसके बाद मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी, क्योंकि मैंने 10 दिन या फिर 15 दिन तो ऑलमोस्ट हो ही गया होगा मैंने शेविंग नहीं किया है, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था तो मैं नहीं कर पाई थी, तो आज मैं कर लेती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर 7 दिन बाद ही मैं अपना शेविंग कर लूँ, ताकि स्किन क्लीन दिखता है, ग्रूम दिखता है और मेकअप भी बहुत अच्छे से होता है। कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन भी बहुत अच्छा दिखता है। सो मैं बहुत ही संभाल के ही करती हूँ। और मैं अपना जो आईब्रो है वो मैं खुद से ही कर लेती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम से जो आदत लगा है तो मैं बहुत प्रो हो गई हूँ, तो आराम से मैं खुद पे ही कर लेती हूँ। और पार्लर वाली दीदी लोग मतलब इधर उधर से जो बाल निकाल देता है, ऊपर से जो इतना आपके साथ बहस करता है ये कहाँ कहाँ, तो उससे मेरा आईब्रो का शेप भी थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो मैं अब खुद से ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आइसिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा सेंसिटिव है इसलिए मैं आइसिंग करना ही प्रेफर करती हूँ, और आइसिंग के बाद मुझे बहुत अच्छा फील भी होता है। इसके बाद मैं लगाऊंगी फेस पैक। तो वैसे भी ये फेस पैक जो मैं लगा रही हूँ वो FCL का फेस पैक है, मल्टीविटामिन फेस पैक है, और ये फेस पैक ऑलमोस्ट 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है मेरे पास है, क्योंकि मैं बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर होम रेमेडीज़ लगाती हूँ, तो मैंने सोचा अब मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, जस्ट 2 महीना ऐसा ही टाइम है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं अभी इसको लगा के जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी। एंड 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट के बाद इसको अब अच्छे से मसाज करके वॉश करेंगे। तो अपने हल्का पानी लेके अपने फेस में अच्छे से इसको हल्का हाथ से मसाज करना है, बहुत ही हल्का हल्का से मसाज करना है, और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा मस्ती भी कर रही हूँ। उसके बाद मसाज करने के बाद, क्लीन करने के बाद अब लगाएंगे नोज स्ट्रिप। ये तो लगाती ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो रहता है वो मैं रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती हूँ अपने रूटीन पे, तो ये मैं लगाती ही हूँ। तो पहले नोज़ को अच्छे से गीला कर लेंगे अपने पानी दे के, उसके बाद इसको अच्छे से चिपका देंगे और ये अच्छे से सेट भी हो जाता है। इसके ऊपर फिर आपको पानी अप्लाई करना है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अच्छे से इसको सेट करना है, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट आपको रखना है। उसके बाद आपके जितना भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो भी डर्ट्स है जो नोज़ में रहता है हम लोगों का, वो आराम से निकल जाता है, बहुत अच्छे से निकल जाता है। ये जो ब्रांड आप लोगों को दिखाया, आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लिप स्क्रबर था, तो ये कॉफ़ी का लिप स्क्रबर है मेरे पास, ये भी बहुत टाइम से, ये फ्री में मुझे मिला था, कुछ तो मैंने प्रोडक्ट तो लिया था तो उसमें मुझे मिला था, तो ये मैं कभी कभी जब मुझे दिख जाता है ड्रायर में तो याद करती हूँ तब मैं लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से अपने क्लीन करने के बाद, 15 मिनट हो गया अब मैं इसको उतार रही हूँ, थोड़ा सा आराम से उतारना ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो मेरा नोज़ में वाइट हेड्स गंदा लग रहा है, तो ये निकल गया है, ब्लैक हेड्स भी निकल गया है, पर कम निकला है, क्योंकि हर हफ्ता करते हो तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जिस दिन मैं शेविंग करती हूँ उस दिन मैं अपना फेस ऑयल मतलब एवोकाडो जो फेस ऑयल आता है वही जस्ट 1 से 2 ड्रॉप ही मैं लगाती हूँ। मुझे ज़्यादा सीरम फेस ऑयल ये सब थोड़ा सा कम सूट करता है, पिंपल्स निकल जाता है, तो मैं हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ, पर शेविंग जिस दिन करती हूँ उस दिन मैं जस्ट स्किन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर, ये से ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी है, क्योंकि मैंने
कौन सा ऐसा ब्रांड नहीं होगा जो मैंने लगाया नहीं होगा। 5000 का भी मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया हुआ है, देखा है, पर इसका रिजल्ट जस्ट अमेजिंग। आँख बंद करके मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि गाइस कुछ और लगाओ ना लगाओ, ये मॉइस्चराइजर ज़रूरी मतलब एक बार तो ट्राई करना। तो अच्छे से मैंने लगा लिया, अब मैंने लिप बम लगा लिया, दैट्स इट। इतना सिंपल सा ही मेरा रूटीन होता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। बहुत अच्छे से अपने आप को मैं ग्रूम कर लेती हूँ, उसके बाद मेकअप करो, कहीं पे भी जाओ, गुड टू गो। तो कैसा लगा आप लोगों को गाइस बताना ज़रूर, ट्राई भी करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाय, अल्लाह हाफिज़।